तो व्हाट्स इन माय बैग, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं व्हाट्स इन माय बैग। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस वीडियो के लिए। ये इस चैनल का काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज का वीडियो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं, आपने टाइटल में पढ़ लिया है, इस वीडियो के होने वाले हैं चार विनर, जिनको मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और आप इन गिव अवेज को समझ सकते हैं मेरी तरफ से अपने लिए दिवाली गिफ्ट। तो चलिए पहले जल्दी से देखते हैं दैट्स व्हाट्स इन माय बैग। तो पहले मैं आपको अपने इस बैग के बारे में बता दूं कि ये मेरा बड़ा ही फेवरेट बैग है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मीडियम साइज़ का बैग है और ये है ब्रांड ज्यूक से, और उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इस बैग की डिटेल्स भी आपको बिल्कुल मिलने वाली है और सरप्राइज तो मिलेगा ही आप सब लोगों को। तो इस बैग के अंदर एक जिप यहाँ पर है, बड़ी जिप, और ये है बैक जिप। और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि ज़्यादातर जो मैं बैग्स खरीदती हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसमें ये बैक जिप ज़रूर हो। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है वो ये कि इस जिप के अंदर होता है मेरा फ़ोन। तो जब भी फ़ोन रिंग करता है, यहाँ से आपको पूरा बैग नहीं खोलना पड़ता, कन्वीनियंटली आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे बैग में है वो है मेरा फ़ोन। और अब देखते हैं कि मेन पॉकेट के अंदर क्या है। ओके, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो आ रही है ये पाउच नज़र, मतलब एक बैग के अंदर एक और बैग। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हूँ। ये छोटा सा पाउच है, पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, बहुत ही ज़्यादा पुराना है जैसा कि आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं। तो ये बेसिकली मेरा मेकअप पाउच है, इसमें मेकअप का सामान होता है जो कि मुझे आपको दिखा कर बताना चाहिए। तो क्या क्या निकलेगा इसके अंदर से, पहला तो है ये फेस वॉश, जिसकी ज़रूरत कभी कभी हमें पड़ ही जाती है जब हम बाहर जाते हैं, और ये हैंड वॉश का काम भी कर लेता है क्योंकि सोप तो कैरी करना ईजी नहीं है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर मेरा सनस्क्रीन, ये है SPF 40। और तीसरी चीज़ है इसके अंदर ये परफ्यूम की बॉटल, जो रीफिल बॉटल है, आपने मेरे हॉल वीडियोस में ये देखी है, मैं इसको ज़रूर कैरी करती हूँ। नेक्स्ट इज़ रबर बैंड, उसके बाद है ये मिनी रिने की लिपस्टिक। वैसे ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं कोशिश करूँगी जितनों के मुझे लिंक्स मिल जाएंगे वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो ये रिने की ग्लॉसी लिपस्टिक है, इसका साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बहुत छोटू सी लिपस्टिक है, कहीं पर भी आप इसको कन्वीनियंटली ले जा सकते हो। नेक्स्ट इज़ ये है मैक का मस्कारा, और उसके बाद है मैक का ये कॉम्पैक्ट। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकती हूँ। ये स्टूडियो फिक्स है मैक का, जिसको लगाने के बाद मुझे लगता है कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, कोई कवरेज की ज़रूरत नहीं है, सारे काम कर देता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है, इसलिए मेरे बैग में ये हमेशा होता है, और इसके अंदर ये स्पॉन्ज होता है तो कन्वीनियंटली आप लगा सकते हो। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, यस, ये मैक का न्यू लॉन्च है। ये मैंने न्यू लॉन्च तो नहीं कहना चाहिए, मैंने आई थिंक इसको 4-5 महीने पहले लिया था। ये उनकी लिपस्टिक है, और इसका जो कलर है वो इस तरीके का है कि आप इसको एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो, ब्लश ऑन की तरह यूज़ कर सकते हो, लिप्स पर तो यूज़ कर ही सकते हो। तो ये 3-in-1 का काम करती है, इसलिए मैं इसको साथ में कैरी करती हूँ। तो ये तो मेरा हो गया कंप्लीट मेकअप पाउच, और अब हम जल्दी से देखते हैं कि मेरे बैग में और क्या है। ओके, तो नेक्स्ट है मेरे बैग के अंदर मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है मेरा वॉलेट, जिसमें मेरा लाइसेंस है, थोड़े से पैसे हैं, और ज़िप में क्या है, ज़िप में कुछ नहीं है, थोड़ी सी चेंज है और कुछ नहीं है, दैट्स इट। तो ये जो है ये क्योंकि इसमें मेरे कार्ड्स हैं, मेरा जितने एसेंशियल्स हैं वो इस बैग के अंदर है, तो ये हर जगह मेरे साथ साथ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम है मेरे बैग के अंदर, मेरे गॉगल्स हैं, और
ये रेड कलर के गॉगल्स मुझे मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये गॉगल्स। अच्छा, और नेक्स्ट है, ओप्स, और नेक्स्ट है इसके अंदर ये पाउच। अब आप कहेंगे कि एक बैग के अंदर कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है ना मैंने, हाँ आई नो। अच्छा, ये जो पाउच है ना, इसमें कुछ मेरी फेवरेट ज्वेलरी है, जैसे ये ब्रेसलेट है गोल्ड कलर का, ये जो पेंडेंट एंड चेन है ये मेरा सबसे फेवरेट है। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में सब मुझे देख देख के थक चुके हैं इसको पहनते हुए। मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था, तो दिस इज़ वेरी प्रीशियस टू मी। एंड ये है साथ में ये दो पर्ल के पिंस, और ये आपने मेरे हॉल वीडियो के अंदर देखे, मैंने आपको दिखाए थे कि कैसे आप अपनी कॉलर को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ये कॉलर को एडजस्ट किया हुआ है, वेस्ट को टाई कर सकते हो इससे। तो ये मैं ज़रूर अपने बैग के अंदर रखती हूँ कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। और ये ज्वेलरी रखने का पर्पस ये है कि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बाहर होती हूँ और कोई क्लाइंट मीटिंग आ जाती है या कोई काम आ जाता है, तो फटाफट आप चेन पहनो, ब्रेसलेट पहनो एंड यू आर गुड टू गो। तो ये पर्पस है इसका। और अब कुछ, अब क्या है नेक्स्ट, यस ये टिश्यू पेपर्स है जो हमेशा मेरे बैग में होते हैं। ये एक प्रोटीन बार है, क्योंकि मुझे कितनी बार घर से बाहर निकलकर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो इससे पहले कि मैं कुछ गड़बड़ खाऊं, ये मुझे हेल्प करती है। और नेक्स्ट है ये मेरी च्युइंगम। ये कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन आजकल मैं बहुत च्युइंगम खा रही हूँ, तो ये ट्राइडेंट, ये च्युइंगम है मेरे बैग के अंदर। और एक ये आई थिंक मेकअप पाउच में से ये निकल गया है, ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर एक क्रीम है, लाइक बॉडी क्रीम आप इसे कह सकते हो, तो कभी कभी जब ड्राइनेस फील हो तो आप इसे लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। तो इतने छोटू से बैग के अंदर आपने देखा मैं कितनी बड़ी दुनिया लेकर चल रही हूँ। ओके, तो अब जिन लोगों को लग रहा है मेरा ये बैग बहुत सुंदर, तो मैं उनको बता दूँ कि गिव अवेज में आपको ये बैग ही मिलने वाला है। बट इस गिफ्ट को लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि वो क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। डरिए मत, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल है। मैं इसको कोई डिफिकल्ट गिव अवे नहीं बनाना चाहती थी, एंड ब्रांड ज़ूक हैज़ बीन वेरी काइंड टू स्पॉन्सर दिस वीडियो एंड स्पॉन्सर दीज गिव अवेज फॉर मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और ज़ूक की मुझे ना सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये एक वीगन फ्रेंडली ब्रांड है, और मेरे पास ज़ूक के बहुत सारे हैंड बैग्स हैं। ये मेरा आजकल फेवरेट है, मैं इसको बहुत यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ब्रांड ज़ूक से रिक्वेस्ट करी कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बैग देना चाहती हूँ इन गिव अवेज। तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना है, और आपको ज़ूक के भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसमें ये बताना है कि आगे आप इस चैनल के ऊपर क्या देखना चाहते हो। आपके तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आप हॉल वीडियोस देखना चाहते हो, दूसरा ऑप्शन है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फीमेल्स को डिस्कस करें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप फैशन रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं फैशन रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस ज़्यादा बनाऊं। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा हो गया, तो आपको इसको सिंपली, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको सिंपली तीन में से एक आंसर देना है, हॉल वीडियोस, सेकेंड ऑप्शन है मोटिवेशनल वीडियोस, थर्ड ऑप्शन है फैशन रिलेटेड वीडियोस। तो मैंने आपके लिए इजी बना दिया है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और आप बिल्कुल अगर कुछ और भी लिखना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, और जितने भी इस वीडियो से रिलेटेड, इस गिव अवे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कर लेना। और जो हम गिव अवेज की अनाउंस करेंगे वो मेरे इंस्टाग्राम पर भी होगी, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो कि है दी होप स्टोरी ऑफिशियल, तो आपको उसको भी जरूर फॉलो करना है क्योंकि अनाउंसमेंट वहां पर भी होगी, और अनाउंसमेंट
यहाँ इस चैनल द होप स्टोरी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर भी होगी। तो आपको दोनों तरफ नजर रख के चलना है, कहीं आपका नाम आए और वो मिस हो जाए। इस गिव अवे में मैं चूज करूंगी 4 विनर्स को, तो जो स्कोप है काफी ज्यादा है। और जिन लोगों को ये गिव अवे ना मिले तो बिल्कुल भी डिसहार्टेंड मत होना, मैंने बहुत सारे गिव अवेज में पार्टिसिपेट किया है, मुझे भी नहीं मिला। लेकिन 4 लकी विनर्स होंगे और जिनको मैं रैंडमली चूज करूंगी, तो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो चांस ही नहीं होगा। और जीतने पर तो आपको पता ही है कि आपको मिलने वाला है ये हैंडबैग, जो कि मेरा सबसे फेवरेट हैंडबैग है आजकल ज्यूक से। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये दिवाली सीजन, ये फेस्टिवल सीजन आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा काम करती रहूं, यूट्यूब पर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं। तो गिव अवे की इन्फॉर्मेशन को जरूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।